बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। बैरूनी सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क में अमन, सलामती और तरक्की के इकदाम बरकरार रखने के आजम का इजहार। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयों और पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। तरक्याती अमल में पाक फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतजलजल अज़्म का यादा। रियासती ताकत से इफरीत के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। समाजी और कौमी तरक्की में पाक फौज की काविशों की तारीफ। सदर मुमलिकत का एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से कौमी इदारे के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात पर शदीद तश्वीश का इजहार। ऐसे अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शोहदा का खून पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की आर्मी चीफ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास। नए टैलेंट के फरोग और वफाकी वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने से मुतालिक तजावीज़ का जायजा। बैन अल-अक़वामी मयार का टैलेंट पूल बनाने की जरूरत है। गवर्नेंस के मौजूदा निज़ाम में जिद्दत लाकर इसे मजीद मौसर बनाएंगे वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। माशी इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी तआवुन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान की फ्रांसीसी सफीर नेकुलस के लिए से गुफ्तगू। फ्रांसीसी कंपनीज को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मरासले पर सुप्रीम कोर्ट में अस्खुद नोटिस की समाअत। फुल कोर्ट तश्कील ना देने की वजह जजों की अदम दस्तयाबी थी। मुमकिन है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। अदलिया में किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार हुकूमत को दे दिया। आइन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन बनाना सुप्रीम कोर्ट का नहीं, वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 67,756 पर बंद। 36 करोड़ 18 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार। पीआईए के निजकारी की तरफ एक और कदम। कौमी एयरलाइन के जिम्मे 603 अरब रुपए के वाजबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। 202 अरब रुपए के वाजबात पीआईए के जिम्मे होंगे। निजकारी में पॉलिसी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियां 3 मई तक दस्तावेजात जमा करा सकती हैं। तर्जुमान निजकारी कमीशन। मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ तिजारत और कारोबारी रवाबित मजीद मजबूत करने के ख्वाहां हैं। माशी बेहतरी के लिए मुश्तरका रोड मैप तश्कील देने की जरूरत है। इक्तिसादी शोबे में डिजिटलाइजेशन के लिए काम जारी है। एफबीआर में इस्लाहात की जा रही हैं। वजीर इत्तलात अताउल अतारट की मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम से गुफ्तगू। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर। वजीर आला मरियम नवाज की सदारत में काबीना का इजलास। मुतअद्दद फैसले। बच्चों और खवातीन की बेहरमती के मुकदमात के जल्द समाअत के लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स के क्याम का फैसला। हतक इज्जत कानून को मौसर बनाने के लिए तरमीमी बिल पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। झूठे इल्जाम के कल्चर को बदलना होगा वजीर आला।
इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी, गजा, खान यूनस और रफा पर बमबारी, मजीद 59 फलस्तीनी शहीद, 83 जख्मी, गजाए और अद्वियात की किल्लत की वजह से इलाके में कहत के साए मजीद गहरे। इसराइल के हाथों अब तक 196 इमदादी कारकुन लुकमाए अजल बन चुके। इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमला मुर्दा जमीर की कार्रवाई है, सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस। चीन के सदर यी जिनपिंग और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान रबता, दोनों सुदूर का माशी रवाबित, यूक्रेन जंग, साइबर सिक्योरिटी खदशात समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। ताइवान का मामला रेड लाइन है, अमरीका ने हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो खामोश नहीं बैठेंगे, सदर यी जिनपिंग। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, हुर्रियत क़यादत कालमी तंजीमों से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा, सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की कश्मीरी आवाम से इंतशार और फिरका वारियत की भारतीय साजिशें नाकाम बनाने की अपील। जापान, ताइवान और फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत का हौलनाक जलजला, 9 अफराद हलाक, 1000 से ज्यादा जख्मी, बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचा, सुनामी वार्निंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों खिता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, बास मकामात पर ज्यालाबारी, बालाई इलाकों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज, 15 रुकनी कीवी स्क्वाड का ऐलान, माइकल ब्रेसवेल कयादत करेंगे। 5 मैचों के लिए न्यूजीलैंड टीम 12 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। चित्राल विंटर फेस्टिवल, 3 रोजा इवेंट में स्की और स्नो बोर्डिंग का शानदार मुजाहरा, सयाहों और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सऊदी प्रोफेशनल लीग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अन-नसर की अभा के खिलाफ 8 गोल से कामयाबी, रोनाल्डो की हैट्रिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जल्दी जल्दी में कुछ भूल नहीं जाना, फिकर नहीं करें, सब रख दिया। अच्छा कितने पैसे हुए? बाजी 4200 हो गए। अच्छा पेमेंट रात से कर दे बाजी। रास्त से? जी हाँ, अब रास्त से पेमेंट इतनी आसान, यानी अपने बैंक की ऐप खोलो, QR कोड स्कैन करो और रास्त से ऑनलाइन पेमेंट करो, क्योंकि रास्त फौरी, फ्री, आसान और महफूज भी। रास्त, पल भर में मुल्क भर में। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजर दोस्त स्कीम का आगाज, जिसके तहत तमाम गैर रजिस्टर्ड होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स और छोटे दुकानदारों के लिए 30 अप्रैल 2024 तक इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस टैक्स आसान मोबाइल ऐप में दिया गया ताजर दोस्त पेज खोले और चंद आसान मालूम दर्ज करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा ले। ना ही किसी वकील की जरूरत और ना ही कोई फीस। फिर टैक्स की अदायगी इतनी आसान, जैसे इजी लोड। जी हाँ, आसान महाना, साथ में इनकम टैक्स अदा करने की सहूलत और यकमुश्त अदायगी पर 25% तक टैक्स की छूट। इसके साथ साथ साल 2023 का रिटर्न फाइल करने पर भी महाना एडवांस टैक्स में 25% की मजीद छूट। याद रखें, 30 अप्रैल 2024 रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख। सुस्ती बिल्कुल ना करें, अपनी रजिस्ट्रेशन आज ही कराएं और कानून के तहत जुर्माने से बचें। बात बिल्कुल ठीक है, मुल्क मुस्तहकम होगा तो बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। हम टैक्स गुजार, मुल्क बावकार।
प्रोग्रामे का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में आगाह किया। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों समेत तरक्याती मनसूबों में पाक फौज के किरदार के बारे में भी ब्रीफ किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अफवाज पाकिस्तान के मिसाली किरदार को सराहते हुए कहा कि वतन अजीज की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ्फुज़ में फौज का कलीदी किरदार रहा है। उन्होंने समाजी और कौमी तरक्की में पाक फौज की भरपूर काविशों को सराहते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़ज़ज़ल अज़्म का इआदा किया। उन्होंने रियासती ताकत से दहशतगर्दी के खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से कौमी इदारे के खिलाफ सियासी मुफादात के हुसूल के लिए बेबुनियाद इल्जामात पर शदीद तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे अनासिर से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने मादरे वतन के लिए जान का नजराना देने वाले सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की मुलाकात में मुल्क में अमन, सलामती और तरक्की के सफर का जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और मुसल्ला अफवाज के कमांडर इन चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में नए टैलेंट के फ़रोग़ और वफाकी वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वजारतों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से बैन अल-अक़वामी शोहरत रखने वाले माहिरीन और मुशीरों की खिदमात हासिल करने पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बासलाहियत पेशा वाराना और तकनीकी माहिरीन हमारे मौजूदा नज़्म व नस्क में जिद्दत लाकर इसे मज़ीद मौसर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने माहिरीन और कंसल्टेंट्स की तैनाती के हवाले से हिकमत अमली तशकील देने की हिदायत देते हुए कहा कि पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी मायार का टैलेंट पूल बनाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने नए टैलेंट के हुसूल के लिए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में एक कमेटी कायम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए पॉलिसी सतह पर तकनीकी तकाजे पूरे किए जाएं। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गेले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फ्रांसीसी कंपनीज मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके से इस्तेफादा करें, हुकूमत उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने सदर मैक्रॉन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का भी इआदा किया। उन्होंने फ्रांस की जानिब से आला सतह के कारोबारी वफ़द के पाकिस्तान के जल्द दौरे के इकदाम का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सफ़ीर की मुलाकात में गजा और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। निकोलस गेले ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का तहनियती पैगाम पहुँचाया और अपनी हुकूमत की तरफ से दो तरफा ताल्लुकात में इजाफे के लिए तआवुन की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के मुरासले पर फुल कोर्ट तश्कील न देने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। बाकी जजेस से मुशावरत के बाद मामले की जल्द समाअत की जा सकती है। अस्कुद नोटिस के समाअत के दौरान सात रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि मुमकिन है कि आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि अदलिया में किसी भी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ तो मुझ समेत सारे जजेस खड़े होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार हुकूमत को दे दिया है। आइन के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन बनाना सुप्रीम कोर्ट का नहीं वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। हर इदारे को आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निजाम बनाना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया। बाद में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनसे गलती हुई। क्या वो अदालती काम में मदाखलत नहीं थी? इस पर हुकूमत ने क्या किया? समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने मौकफ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेगी। 2017 से 2021 के दौरान जो कुछ होता रहा उससे सब आगाह हैं। अस्कुद नोटिस की आइंदा समाअत 29 अप्रैल को होगी। और बात कुछ कारोबारी दुनिया की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स 869 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 67,756 पर बंद हुआ। जीशान अहमद खान तफसील बता रहे हैं। माशी बहाली और तरक्की के लिए हुकूमत और खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के मजबूत इकदामात से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF से मुकामिया मुज़ाकरात भी 100 इंडेक्स में तेजी की अहम वजह हैं।
हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं काफ़ी ज़्यादा मुस्बत हैं, ना सिर्फ उसका इदराक लोकल मैगजीन बल्कि इंटरनेशनल मैगजीन भी पाकिस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसको काफ़ी सराह रहे हैं। एक बड़े अरसे के बाद अराउंड 4 ईयर्स के बाद पाकिस्तान की जो टेबल मार्केट्स हैं उसके अंदर काफ़ी फॉरनर्स ने अपना इंटरेस्ट शो किया है और तकरीबन $125 मिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की टेबल में की है। ये शो करती है कि कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है इंटरनेशनली, और ख़ासतौर पर हम देखते हैं अगर जब लोकल बॉन्ड के अंदर इस तरह से इन्वेस्टमेंट आती है तो आपके रिजर्व में भी इजाफा होगा आने वाले दिनों में, फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारा रुपया भी मजबूत होगा। कारोबारी दिन के आगाज से ही 100 इंडेक्स ने बुलंद सतह 67,873 पर ट्रेड किया, जो कि मुल्क की तारीख में एक अहम रिकॉर्ड है। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 890 पॉइंट्स तक का इजाफा हुआ, ताहम कारोबारी दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में 36,18,00,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 11,90,00,000 रुपए से ज्यादा थी। बाजार हिस्से में 207 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 108 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 24 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। सीमेंट, केमिकल्स, कमर्शियल बैंक और इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के शेयर की कीमतों में नुमाया इजाफा रहा। जिशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 5 वफाकी वुज़रा को इजाफी कलमदान सौंप दिए हैं और काबीना डिवीजन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी उमूर का इजाफी कलमदान दिया गया है। सनअत व पैदावार के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन को कौमी तहफ्फुज़ खुराक व तहकीक की वजारत का इजाफी कलमदान सौंपा गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की व खुसूसी इक़दामात अहसन इकबाल को वजारत बैनुस्सूबाई राबता, जबकि पेट्रोलियम के वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मसूद मलिक को वजारत आबी वसाइल का इजाफी कलमदान दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 3 कोऑर्डिनेटर्स भी तैनात कर दिए हैं। रोमीना खुर्शीद आलम मौसमियाती तब्दीली, शब्बीर अहमद उस्मानी उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कोऑर्डिनेटर होंगे। राणा एहसान अफजल भी वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि सिंगापुर के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फायदा उठाने की तरगीब देने की जरूरत है। इस्लामाबाद में सिंगापुर के लिए नामजद हाई कमिश्नर राबिया शफीक से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों में कारोबारी रवाबित के फरोग के लिए तमाम तवानाइयां बरोए कार लाई जाएं। सदर मुमलिकत ने सिंगापुर के लिए बरामदात के मौके तलाश करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समुद्री खुराक और तैयार खुराक में सिंगापुर के लिए रसद का मुस्तकिल जरिया बन सकता है। सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत सिंगापुर भेजने, आईटी और ज़राअत में दोतरफा तआवुन बढ़ाने के लिए काम किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने कहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तिजारत और कारोबारी रवाबित को मजीद मजबूत करने का ख्वाहां है। माशी बेहतरी के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील देने की जरूरत है। इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माशी शोबे को डिजिटल करने के लिए काम जारी है और FBR में असलाहत लाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात ने UAE की माशी तरक्की के लिए अमारात की क़यादत के विजन और कोशिशों को सराहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बशाम में दहशतगर्दी के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की। रवां साल के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी गई है। पंजाब काबिनेट इजलास में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी समेत अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीरे आला का काबिना इजलास और दीगर इजलासों से खिताब के हवाले से देखते हैं लाहौर से मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। इजलास में पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी दी गई और बच्चों पर जुल्म ज्यादती के मुकदमात का तेज तरीन ट्रायल करके मंत की अंजाम तक पहुँचाने का भी फैसला किया गया, जबकि हत्या के इज्जत के कानून में तरमीम और स्पेशल कोर्ट कायम करने पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि झूठ बोलने और झूठे इल्जाम के कल्चर को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि छोटे काश्तकारों को ज़रई मुदाखिल के लिए 1.5 लाख बिला सूद कर्जे देंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन और तारीखी किसान कार्ड दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आउटसोर्स करने के लिए मुजवजा मुआहदे का जायजा लिया गया। इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निजाम नाफिज करने की मंजूरी दी गई। इजलास में बताया गया कि ट्रांसफर स्टेशन पर नामियाती गैर नामियाती आयरन और प्लास्टिक वेस्ट की छांटी की जाएगी। सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर पर 23 लैंड फुल साइट्स
और 66 ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स के जायजा इजलास में सूबे के नॉन परफॉर्मिंग 13,000 स्कूलों में आइंदा 3 माह में इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया गया, जबकि 5वीं क्लास के तलबा को डब्बा बंद फ्लेवर्ड मिल्क देने के प्रोजेक्ट पर वजीर आला ने हतमी प्लान तलब कर लिया। इजलास में फैसला किया गया कि सरकारी स्कूलों में सहूलियात की फराहमी के लिए डोनर से राबते किए जाएंगे, जबकि एजुकेशनल एनजीओ से पार्टनरशिप की तजवीज पर गौर किया जाएगा। इस मौके पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने स्कूलों में तलबा की गोस्ट एनरोलमेंट पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी लाजमी होनी चाहिए। स्कूलों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लूंगी। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में चीनी कौंसलेट का दौरा किया और शांगला हमले में चीनी बाशिंदों के जांबाक होने पर इजहार अफसोस किया। इस मौके पर वजीर आला ने चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की और बाहमी तआवुन का सिलसिला जारी रखने के अजम का इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त हैं, बुजदिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान की माशी बेहतरी के आसार नुमाया होना शुरू हो गए हैं, जिसकी तस्दीक आलमी बैंक और मोतबर आलमी मालियाती खबर रसाई इदारे ब्लूमबर्ग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भी की है। गुज़श्ता 22 माह के दौरान मार्च 2024 में महंगाई की शरह पहली बार सबसे कम 20.7% की सतह पर आई। आलमी बैंक की रिपोर्ट पर ब्लूमबर्ग ने अपना तज्जिये में कहा है कि आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की शरह नमू में 2 गुना इजाफा मुतवक्के है। अगले माली साल में महंगाई की शरह में भी 11% तक कमी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के नए प्रोग्राम से माशी शरह नमू में बेहतरी आएगी। और माशी बहाली के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के तहत इकदाम के मुस्बत समरात आना शुरू हो गए हैं। मुल्क की बड़ी सनतों की पैदावार में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। ज़राअत, पेट्रोलियम मसनूआत, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और दीगर बड़ी सनतों की पैदावार 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। जनवरी में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की शरह 132.43% रही, जो कि गुजश्ता दिसंबर में 132.39% थी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के बरवक्त इकदाम की बदौलत ज़राअत के शोबे में रवां साल बम्पर पैदावार हासिल होने का इम्कान है। पीआईए की निष्कारी की तरफ एक और कदम, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जिम्मे 603 अरब रुपए के वाजबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि 202 अरब रुपए के वाजबात पीआईए के जिम्मे रहेंगे। तर्जुमान निष्कारी कमीशन के मुताबिक पीआईए के जिम्मे मजमूई तौर पर 803 अरब रुपए के वाजबात थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बैलेंस शीट अब बेहतर हो गई है और पीआईए के निष्कारी में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद कंपनियां 3 मई तक मतलूबा कागजात जमा करा सकती हैं। मुल्क में इलाकाई तजारत को बढ़ाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने एक अहम संगमी रूबूल कर लिया है। एनएलसी के ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला 1400 किलोमीटर से ज्यादा फासला तय करते हुए आलुओं की खेप लेकर ताजिकिस्तान के दाल हुकूमत दुशंबे पहुंचा। इस काफिले ने ओकारा और रहीम यार खान से दुशंबे का सफर सिर्फ 7 दिन में तय किया। दुशंबे में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजिक वजीर ट्रांसपोर्ट ने अपने खिताब में नेशनल लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जमीनी तरसील के बाजाबता आगाज को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात में ये अहम संग मील है। दिफा और दिफाई पैदावार के विफाक की वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से इटली की सफीर आर्मेलियन मैरुलिना ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। विफाक वजीर ने कहा कि पाकिस्तान जमहूरिया इटली के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है और दिफाई तआवुन को मजीद फरूग देना चाहता है। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी तरबियत में इश्तराक बाहमी तौर पर फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि नेटो का हिस्सा होने की वजह से अतालवी मुसल्ला फौज के पास काबिल कदर फौज है, जबकि पाकिस्तान की मुसल्ला फौज इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का भरपूर तजुर्बा रखती है। उन्होंने मुश्तरक दिफाई पैदावार के शोबे में तआवुन की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नीदरलैंड की सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दोनों मुल्कों की दरीना दोस्ती और तआवुन को सराहते हुए दोतरफा ताल्लुकात को अहमियत को उजागर किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की मुंतकली में दिलचस्पी रखता है और ज़राअत, डेयरी और फार्म की पैदावार में नीदरलैंड की महारत से इस्तफादा करना चाहता है। सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ तआवुन को मजीद बढ़ाने के लिए नीदरलैंड के अज़्म का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। मखसूस सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया के जरिए अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं मलिक कुमार। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि एक मखसूस सियासी जमात ने इससे पहले भी जुडिशल कमीशन पर इल्जामात की बौछाड़ की और अब अदालत में इस आम मामले की समाअत के हवाले से भी यही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। जजेस की खत की रूह यही है कि अदलिया पर दबाव न डाला जाए। जिस सियासी जमात का और जिस ग्रोह का मैंने जिक्र किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा जो
इस केस के हवाले से समाप्त हो रही है, उसके ऊपर जो इल्ज़ामात की गुछाड़ की जा रही है वो एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। क्या अदलिया को जो दबाव है इसका सामना सिर्फ कोई इदारों की तरफ से जो एक मुबैना ख़त लिखा गया है उसके हवाले से है, या मखसूस सियासी जमातें सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बयानात के ज़रिए और अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो अदलिया के फैसलों के ऊपर और अदलिया के सोच के ऊपर जो असरअंदाज होती हैं, क्या वो प्रेशर नहीं है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है वो निहायत काबिले मुज़म्मत है। इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। समझ से बालातर है कि जजेस पे दबाव के मामले पर एक मखसूस सियासी जमात का क्या ताल्लुक है। एक सियासी जमात बगैर किसी वक्फे के इल्ज़ामात और इल्ज़ामात के बाद इस तरह के बोहतानबाजी करती है और बार बार हुकूमत को भी, इदारों को भी, अदालत को भी और जज साहिबान को भी स्कैंडलाइज करने की कोशिश करती है, और ये वाहिद वो सियासी जमात है जिसका मेरी तो सोच समझ से बाहर है कि उसका इस पूरे मामले से, इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने से उसका क्या ताल्लुक है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ ने मुल्क की सियासत को भड़क और सड़क की सियासत बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि सियासी जंग लड़नी है तो सियासी जमातों से लड़ी जाए, इदारों को कमजोर करना पाकिस्तान के हक में नहीं। मलिक उबैर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। सूबाई वजीर सनअत व तजारत चौधरी शाफी और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नौजवान मुल्क का कीमती असासा है। टेफ्टा, स्किल्स डेवलपमेंट फंड, निफ्टेक और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जैसे इदारे हुनरमंद नौजवान तैयार करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ बात करते हैं मशरिक वस्ती की बिगड़ती हुई सूरत हाल की, जहां गजा में इसराइली फौज की जानिब से निहत्ते शहरियों पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली इमदादी एजेंसियों तक रसाई के मुसलसल इनकारी है, जिसकी वजह से गजाई किल्लत से इलाके में कहत के साए मजीद गहरे हो गए हैं। इमदादी एजेंसी ने कहा है कि इसराइल अक़वामे मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी उनरवा को शिमाली गजा में खुराक और दीगर इमदाद पहुँचाने से रोक रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के तबाहकुन हमले के पहले चार महीने के दौरान गजा की पट्टी में बुनियादी ढांचे को 18.5 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 59 अफराद शहीद और 83 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 32,975 अफराद शहीद और 75,577 जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीन में काम करने वाली इमदादी एजेंसी के 7 अहलकारों की हलाकत पर इसराइल के खिलाफ आलमी सतह पर मजम्मत का सिलसिला जारी है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में कारकुनों पर इसराइली हमला मुर्दा जमीर की कार्रवाई है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइल के गजा में होलनाक हमले में वार्ड सेंट्रल किचन के 7 मुलाजमीन जाम हक हुए, जिसके बाद अब तक इमदादी एजेंसियों के हलाक होने वाले मुलाजमीन की तादाद 196 हो गई है, जिनमें से 175 का ताल्लुक अक़वामे मुत्तहिदा से है। सदर जो बाइडन ने कहा कि गजा में इसराइली बमबारी से 7 कारकुन मारे गए, जिस पर वो गुस्से और दिल शिगस्तगी की कैफियत में है। उन्होंने इसराइल से वाकई की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि इमदादी कारकुनों को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। पोप फ्रांसिस ने इसराइली फजाई हमले में इमदादी कारकुनों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए गजा में जंगबंदी की दोबारा अपील की है। पोलैंड के वजीर आजम डोनाल्ड टस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में गजा में इमदादी कारकुनों पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि वाकई से पोलैंड और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। पोलिश वजीर खारजा ने इसराइल से माफ़ी का मुतालबा करते हुए खबरदार किया है कि वाकई से पोलैंड में यहूदी दुश्मनी बढ़ने का खदशा है। उधर खुराक के आलमी प्रोग्राम एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया है कि गजा में बच्चे तेजी से गजाइत की कमी का शिकार हो रहे हैं। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए WFP ने कहा है कि हर माह गजा में 15 लाख से ज्यादा लोगों को खुराक फराहम की जा रही है। और अमरीकी सदर जो बाइडन से चीनी सदर यू जिनपिंग ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों सदूर के दरमियान माशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी खदशात समेत मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगु की गई है। इस मौके पर चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम और मसावी तआवुन कायम रखना चाहिए, ताकि अमरीका ने हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की की राह में रुकावट डाली तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम और मसावी तआवुन जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ताइवान
का मामला रेड लाइन है जो अमरीका चीन ताल्लुकात में उबूर नहीं होनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने इंसदादे मनशियात, मसनूई जहानत, मौसमियाती तब्दीलियों और जजीरा नुमा कोरिया की सूरत हाल पर तआवुन के लिए भी इत्तेफाक किया। नाज़रीन, जापान, ताइवान और फिलिपीन में हौलनाक जलजिले के नतीजे में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक और 1,000 से ज़ायद जख्मी हो गए। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 34.8 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। जलजिले का मरकज ताइवान के शहर हवालिन से 18 किलोमीटर जुनूब में था। जलजिले से समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें भी बुलंद हुईं। ओकिनावा जज़ायर के लिए सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। जलजिले से कई इमारतें मुनहदम भी हो गईं। दर्जनों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम ने इलाके में मजीद झटकों के हवाले से इंतबाह जारी किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 25 साल बाद ताइवान में आने वाला यह शदीद तरीन जलजला है। और अभी आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने फरकावारियत की कोशिशों से मुताल्लिक खबरदार करते हुए लोगों से मुत्तहिद रहने की अपील की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीरवाइस ने श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कश्मीरी आवाम में पाए जाने वाले खौफ और दहशत और गैर यकीनी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मजहबी हम आहंगी को फरोग देने के लिए मसाजिद, मदारस और दरसगाहों को अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। मीरवाइस उमर फारूक ने कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम आवाम के लिए अलविदा को यौमे दुआ के तौर पर मनाने का भी ऐलान किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और उलमाए दीन आगा सैयद हसन मूसवी, मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी और आगा सैयद मोहम्मद हादी ने पटगाम, पटन और श्रीनगर में अलग अलग इज्तमात से खिताब के दौरान कहा कि मकबूजा इलाके में लोग खौफ व दहशत के माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने मौजूदा हालात में कश्मीरियों से मुत्तहिद रहने की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने 5 अगस्त 2019 को दफा 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जिला इस्लामाबाद में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त, अराजी और मुलाजमत के हकूक छीनने पर भारतीय हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी जबर के माहौल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि सहाफियों को भी इजहार राय पर पाबंदी का सामना है। उन्होंने हजारों अफराद की जेलों में नजरबंदी समेत कश्मीरियों को दरपेश मुश्किलात को भी उजागर किया। नाज़रीन, भारतीय रियासत उत्तराखंड के मुसलमान हिंदू जनूनियों के निशाने पर हैं, जहां हिंदू पंडित रियासत को हिंदू देव भूमि बनाने के लिए पागल हो चुके हैं। हिंदू दहशतगर्दों ने 6 मुसलमानों को गोलियां मारकर शहीद करने के अलावा कई मसाजिद भी शहीद कर दी। रियासत में मुसलमानों का माशी इस्तेहसाल जारी है, जिसके तहत मुसलमान दुकानदारों का बायकॉट कर दिया गया है। पंडितों का कहना है कि एक एक मुसलमान को इस रियासत से निकलना होगा। मुसलमानों का कहना है कि पुलिस उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ करती है और उन्हें डराती धमकाती है। और मजहबी इंतहा पसंदी हो, अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन या फिर सोशल मीडिया का गैर कानूनी इस्तेमाल, मोदी हुकूमत इंतखाबात जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी को बेहतरीन साबित करने के लिए मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी है। मुख्तलिफ वीडियोज़ और पैगामात के जरिए भारतीय आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त अक्सर अपोजिशन जमातों के रहनुमा जेल में हैं। मोदी सरकार ने अपनी सियासी मकासद के लिए पोलिटिकल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया है। 2017 में कायम किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड फंड से 60% रकम बीजेपी को गई, जो तकरीबन 60 अरब रुपए बनती है। भारतीय सहाफी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर बीजेपी अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहती है। बीजेपी बदउनवानी के इल्जाम लगाकर अपोजिशन जमातों पर दबाव डाल रही है, जिसका नतीजा है कि मुतअद्दिद सियासतदान जेल में हैं। उधर भारत में इंतखाबात के करीब आते ही मोदी हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की दीगर क्यादत भी मोदी हुकूमत के निशाने पर है। दिल्ली की वजीर तालीम अतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मोदी हुकूमत की जानब से उन्हें धमकाया जा रहा है कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए या जेल जाने के लिए तैयार। उनके अलावा बीजेपी के लोकसभा इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी के मजीद 4 रहनुमाओं को भी गिरफ्तार करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में महकमा तालीम के स्कूलों में असातज़ा की भर्ती के लिए मारूफ रिक्रूटमेंट एजेंसी नेशनल टेस्टिंग सर्विस और महकमा तालीम के माबैन मुआहदा तय पा गया है। महकमा तालीम स्कूल्स और NTS के माबैन मुआहदा तय पाने के बाद स्कूलों में 3,000 से ज्यादा असातज़ा की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया है और 1-2 रोज़ में बाकायदा इश्तहार शाया कर दिया जाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम स्कूल्स दीवान अली खान चुगताई ने कहा कि NTS के साथ होने वाले माहदे में कोशिश की गई है कि असातज़ा अपनी अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर भर्ती हों।
वजीर तिजारत जाम कमाल खान से तुर्कमानिस्तान के सफीर अताजान मौलामोफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फरोग देने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर ने तुर्कमानिस्तान के साथ दो तरफा तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया गया। तुर्कमानिस्तान के सफीर ने पाकिस्तान को सस्ती बिजली फराहम करने की पेशकश की। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान राहदारी समझौते पर जल्द दस्तखत करने की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार उवैस अहमद खान लगारी से अप्टमा के वफद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर की तरक्की के लिए अमली इकदाम कर रही है और इस हवाले से पावर व्हील की पॉलिसी पर तेज़ी से काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि बिजली तकसीम करने वाली कंपनीज में असलाहत लाकर इंडस्ट्री को बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के वजीर चौधरी सालिक हुसैन से ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकदम ने मुलाकात की। ईरानी सफीर ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में तजारती सियाहती और इकतसादी तावन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वफाकी वजीर ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान और हमसाया मुल्क ईरान के दरमियान तावन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और ईरान को रोजगार के मौके, अफरादी कुव्वत और दीगर शोबों में तावन बढ़ाना होगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया। आला हुकाम ने वजारत के जारी मंसूबों और गिलगित बल्तिस्तान को जर आरात पर गंदम की फ्राहमी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अमीर मकाम ने हिदायत की कि गिलगित बल्तिस्तान को वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कोटे के मुताबिक गंदम की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ मिलकर कश्मीरी आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर मेम्बरान से हलफ न लेने के हवाले से पिशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्तों पर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, सूबाई असम्बली को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। समाअत जस्टिस एस एम अतीक शाह, जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने की। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत ने मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेम्बरान से हलफ लेने का हुक्म दिया, इसके बावजूद मेम्बरान से हलफ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालत के अहकाम की खिलाफवर्जी की है। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में भर्तियों पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दी गई। काबीना ने कोविड-19 वबा के दौरान तैनात होने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को 30 जून 2024 तक तौसी भी दी। इजलास को बताया गया कि सरकारी महकमों में निचले ग्रेड की हजारों आसामियां खाली हैं। भर्तियों पर पाबंदी उठाने से न सिर्फ महकमों के काम में तेजी आएगी बल्कि नौजवानों को मुलाजमत के मौके मयसर आएंगे। रुकने बलोचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि वजीर आला की जानिब से बलोचिस्तान के आवाम की मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज किया जा रहा है। ईद मेला 15 से 21 अप्रैल तक लियाकत पार्क कोयटा में मुनक्किद किया जाएगा। हुकूमत सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए परअज़्म है, मुत्तहिद होकर सूबे के मसाइल हल करेंगे। और साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाप्त कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने अपने दलाइल आज भी जारी रखे। केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को गुज़श्ता रोज मिलने वाले मशकूक खतूत के मामले पर डीआईजी इस्लामाबाद पुलिस अदालत में पेश हुए। अदालत के इस्तफसार पर डीआईजी ने बताया कि मशकूक खतूत बज़ाहिर जीपीओ रावलपिंडी से पोस्ट किए गए हैं, ताहम उन पर लगाई गई मोहर पड़ी नहीं जा रही। उन्होंने अदालत में बताया कि खतों से बरामद होने वाले पाउडर को कीमियाई तज़िये के लिए भिजवा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट अगले 2 से 3 रोज में मौसूल हो जाएगी। अदालत को बताया गया कि आज सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी इसी नाम से खतूत मिले हैं, जिसकी तहकीकात जारी है। उज़्बेकिस्तान के सफीर ओबेक आरिफ उस्मानोव ने गवर्नर पंजाब अली गौर रहमान से लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में तालीम, तजारत और दीगर शोबों में दो तरफा तआवुन को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि उज़्बेक सरमायाकार पाकिस्तान में ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तलबा के वफूद के तबादले भी किए जाएँ। सिंध के गवर्नर कामरान खान चसोरी कहते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम होता है। कराची में यूथ पार्लियामेंट शेडो कैबिनेट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवानों को माशरे की इसलाह के लिए शऊर देने की ज़रूरत है ताकि वह मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। सिंध हुकूमत की जानिब से सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज, मनसूबे के तहत मुख्तलिफ मकामात पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे सैयद जहांगीर अली।
शहर कायद में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू किया है, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर शहर के रेड जोन में 300 मकामात पर 1300 CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कराची पुलिस ऑफिस में बनाया जाएगा। 5 फेजेस का प्रोजेक्ट है जिसमें 12,000 कैमरे लग रहे हैं, 10,000 नए हैं और 2,000 एग्जिस्टिंग कैमरेज की अपग्रेडेशन है। जो पहला फेज है वो है 1300 कैमरेज का, जो कि रेड जोन और एयरपोर्ट कॉरिडोर पे होगा। जराइम के तनासुब में तेजी से इजाफे और साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निपटने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुआविन साबित होगा। यदि क्राइम को फाइट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, और अगर आप देखें कि सारी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैसे सेफ सिटी का कंसेप्ट, स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत, वीडियो का तहफ़ समेत मरबूत इलेक्ट्रिक मशीन कंट्रोल सिस्टम के जरिए महफूज शहर के लिए डिजिटल ट्रांसमिशन लाई जाएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मकसद शहर कायद में सिक्योरिटी और सर्विलेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ शहर कायद की आवाम को स्ट्रीट क्राइम जैसे वाकयात से महफूज रखना है। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अमरीकी मुसलमानों की तंजीम ने इस्लाम आबाद में खसूसी अफराद के लिए राशन पैकेज तकसीम किया। तफसील दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लाम आबाद में बरीमाम की कच्ची आबादी की ये मकीन खसूसी अफराद की इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जिन्हें आम दिनों में भी हमारी मदद की जरूरत रहती है। अमरीकी मुसलमानों की तंजीम ने इस बस्ती के 70 खानदानों को ज़कात चैरिटी के तहत 10,000 रुपए का राशन फराहम किया, जिस पर ये खुश हैं। इधर से जो ज़कात फंड दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने राशन पहुँचाया, अल्लाह पाक उन्होंने रोजे नमाज़ें कबूल पाए, अल्लाह पाक उन्होंने सेहत दे। मेरे खानदान पूरी में मैं एक ही ब्लाइंड हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात असबाब पैदा करने वाली ज़ात है। काम करती हूँ, अब होता ही नहीं गुजारा। जैसे ये मजदूर लोग हैं, ये बेचारे खुद उठा नहीं सकते, एक बार गाड़ी तक जाना होता है, चलो इनके साथ उठा के गाड़ी तक ले जाता हूँ। डेवलपमेंट फॉर डिसेबल पीपल नामी तंजीम मकामी सतह पर बरी इमाम की कच्ची आबादी में ये रिफाई सेंटर चला रही है। हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पे, हमारा मार्बल मोजैक सेंटर भी है यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे पार्लर का काम भी है, जो हम इंक्लूसिव सेंटर बना के चला रहे हैं। इसमें ये मतलब है कि विद डिसबिलिटी बच्चियाँ भी हैं और विदाउट डिसबिलिटी बच्चियाँ भी हैं। ये इस्लामाबाद की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, और हमने इसको इसलिए सिलेक्ट किया है कि यहाँ अक्सर लोग जो है ना ज़रूरतमंद हैं, डिसेबल हैं, और विडो खवातीन हैं, ट्रांसजेंडर इस जगह रहते हैं, और उनके लिए कोई भी इनकम का जरिया नहीं है। सेंटर में माह रमजान के दौरान खसूसी अफराद के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त भी किया जाता है, जो इस साल भी जारी है। माधवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फलाही इदारों, मुखय्यर अफराद और ताजर तंजीमों की तरफ से फैसलाबाद में मुस्तहकीन के लिए दस्तरखान लगाए गए हैं, जहां सैकड़ों अफराद रोजा इफ्तार करते हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद शहर में मुखय्यर हजरात के तआवुन से 200 से ज्यादा अफतार दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, जहां रोजाना के हजारों लोग अफतारी कर रहे हैं। शहर का बड़ा अफतार दस्तरखान ABC रोड के करीब दरसगाह खिदमत मरकज के तआवुन से लगाया जा रहा है। इस अफतार दस्तरखान पर 300 रोजादार रोजाना अफतार करते हैं। यहाँ लोग खामोशी से आते हैं और अफतार करके चले जाते हैं। शहर भर में लगाए जाने वाले अफतार दस्तरखानों पर शहरियों को रंग और नस्ल की तफरीक के बगैर अफतार और खाना खिलाया जा रहा है। हमारा सालहा साल से शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अफतार दस्तरखान सजाया जाता है, जिसमें बिला तफरीक हम सभी रोजादारों की खिदमत करते हैं। जिस बड़े लजीज पकवान से तवाजा की जाती है, हम खुद ही ये पकवान सारे यहाँ पे तैयार करते हैं। मैं अफतार के लिए आया हूँ, और इधर घर से ज्यादा इहतमाम किया गया अफतार के लिए। मैं यहाँ पर अफतारी करने आया हूँ। माशाल्लाह, ये दरसगाह खिदमत मरकज वाले साल हर साल से बहुत ही अच्छे तरीके से इंतजाम करते हैं, और बंदे को यूँ महसूस होता है जैसे अपने घर में बैठकर अफतारी कर रहे हैं। ये मुसलमानों के दरमियान अखुवत और भाईचारे में इजाफे का बाइस बन रहा है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नासिर फितराना, माशरे के नादार अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने का एक अहम जरिया है। इस साल इसके निसाब के हवाले से देखते हैं लाहौर से मोहम्मद ताहिर क्लासरा की ये रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक और रोजे के अहकाम में से एक आम हुक्म सदका फितर है, जिसे ज़कातुल फितर, फितराना और फितरा भी कहा जाता है। रब कायनात ने अपने बंदों पर रमजान शरीफ के रोजे खत्म होने की खुशी में शुक्रिया के तौर पर यह सदका मुकर्रर फरमाया है, इसलिए इसे सदका फितर भी कहा जाता है। सदका फितर हर मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है, जिसे साहिब इस्तेताअत अफराद की जानिब से ईद उल फितर की नमाज से कबल मुस्तहिक अफराद को देना वाजिब है।
मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने फितराना की जिस रकम का ऐलान किया है 2 किलो आटे के मसावी है। वो अफराद जो किसी दूसरे शहर या इलाके में रहते हैं वो वहाँ आटे की कीमत के हिसाब से रकम का तयन करें। बादशाही मस्जिद के नायब खतीब के मुताबिक गंदम इस्तेमाल करने वालों का सदका फितर 300 रुपए फीकस अदा करना होगा, जबकि जौ के हिसाब से 600 रुपए, खजूर के तनासब से 2400 रुपए और किशमिश के मुताबिक 4400 रुपया अदा करना होगा। फितराने की जो अहमियत है वो ये है कि ईद उल फितर से पहले पहले हर फर्द पर जो साहिब हसीयत है वो उसको अदा कर दे, ताकि हमारे साथ जो ईद की खुशियाँ हैं उसमें गुरबा मसाकिन हैं वो भी शामिल हो जाए। आजकल मकदार 300 रुपए मुकर्रर की गई है। ये इस्लामी मुआशी निज़ाम का एक खूबसूरत पहलू है कि फितराने की सूरत में साहिब सरवत लोगों की तरफ से वसाइल की मुस्तहिक अफराद में तकसीम को यकीनी बनाया जाता है, ताकि वह ईद की खुशियों में शामिल हो सके। सदका फितराना हर मुसलमान साहिब निसाब पर वाजिब है और इसे मुस्तहिक लोगों को देना चाहिए। ताहिर कलासरा, पीटीवी न्यूज, लाहौर। और ईद की तैयारियों के लिए मुल्तान के शहरियों ने भी बाजारों का रुख कर लिया है। जफरुल्ला खान बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की आमद के साथ ही मर्दों, खवातीन और बच्चों ने खरीदारी के लिए मार्केटों, शॉपिंग प्लाजों और तजारती मराकज का रुख कर लिया है, जहाँ वो ईद के लिए नए कपड़े, जूते और दीगर सामान खरीदने में मसरूफ हैं। खवातीन मुख्तलिफ स्टॉल्स और ब्रांड्स की दुकानों से कढ़ाई वाले रंग बिरंगे मलबूसात और बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी में दिलचस्पी ले रही हैं। सारा सारा दिन ज़्यादातर तो हम फारिग बैठे रहते हैं, दिन हमारे काम के हैं। जैसे जैसे अब दिन मजीद और करीब आते जाएंगे, अल्लाह से उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि हालात मजीद बेहतरी की तरफ आएंगे। ईद की शॉपिंग कर रहे हैं जी, कुछ हो गई है, कुछ रह गई है, महंगाई है, थोड़ा सा परेशान तो किया हुआ है। मियाँ जनों से आए हैं, ये ईद के दिन नज़दीक थे तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, तो सवाल से दोस्तों का आज प्लान था इधर आने का। महंगाई का गिला अपनी जगह, लेकिन खवातीन शॉपिंग के दौरान नित नई और मुनफरद अशिया की खरीदारी के दौरान इस गिले को बलाए ताक रखती हैं। मैंने जो जूलियर ये शॉपिंग की है, बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, बहुत मुझे मजा आ गया है। हमने अभी जूते ले लिए, कपड़े ले लिए, ड्रेसेस भी लिए हैं, चूड़ियां भी लिए हैं, चांदा तो मेहंदी भी लगवानी है। मुल्तान के कैंट बाजार, हुसैना आगाही, मुमताजाबाद, शाहरुकने आलम और गुलगश्त जैसे मारूफ कारोबारी मराकज में खवातीन और बच्चे अपनी मन पसंद अशिया की खरीदारी में कोशा हैं। स्टॉल्स पर मेहंदी, मसनूई ज्वेलरी, चूड़ियां, हैंडबैग्स और जूतों की खरीदारी भी अरूज पर पहुंच चुकी है। ईद उल फितर त्यौहार है खुशियों का, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है लोगों का रश बाजार में बढ़ता जा रहा है और हर कोई अपनी मनपसंद चीज़ खरीदने में मसरूफ है। जफरुल्ला खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नासरीन, सदका फितर की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी वजह से गरीब तबका भी ईद की खुशियों में शरीक होता है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुहेल जमाली। इस्लामी तालीमात और अहकामात में फर्द और इंसानियत के लिए सरासर फलाह और निजात है। सदका फितर भी एक ऐसा ही हुक्म है जिसकी अदायगी से एक शरई हुक्म की तकमील का अजर मिलता है। वहीं ये जुबान की बेएहतियातियों से रोजे पर पड़ने वाले असरात का भी कफारा और फिदिया है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसके फजाइल बयान किए गए हैं। सदकतुल फितर जो है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि उम्मत में जो हमारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं उनमें अगर कमी बेशी को हो जाती है, कमी कोताहियाँ तो डेफिनेटली होती हैं, तो उस कमी कोताही को दूर करने के लिए एक सदका दिया जाता है जो कि अनाज की सूरत में होता था। और उसको फुकाए कराम ने ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि अनाज एक ज़रूरतमंद के पास अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको अल्टरनेट पैसे की सूरत में भी दिया जा सकता है। उसको सदकतुल फितर ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। फितराने की अदायगी से ईद के जश्न और खुशी में मुस्तहिक, नादार और सफेद पोश अफराद भी शामिल हो जाते हैं और उनके लिए खुराक और मलबूसात का इंतजाम भी हो जाता है। माशरे पर असर आती है कि हमारे बहुत सारे वो मुसलमान बहन भाई के जो इस खुशी में हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते, तो कम अज़ कम इस जरिए से उनकी मदद भी हो जाती है और वो भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। इवन ये कि सदकतुल फितर में ये भी एक गुंजाइश है कि वह नॉन मुस्लिम को भी सदकतुल फितर दिया जा सकता है। सदकाए फितर की मकदार सिर्फ 2.25 किलो गंदम के साथ मखसूस नहीं। जिन अफराद को अल्लाह ने माली कुशादगी और तौफीक दी है वो 1 सा यानी अंदाजन 3.5 किलो खजूर, जौ, पनीर या किशमिश की कीमत के बराबर भी सदकाए फितर अदा कर सकते हैं। इससे गरीबों और मिस्कीनों की जरूरियात भी आसानी से पूरी होंगी। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, खित्ता पोठवार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में
कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। बाज मकामात पर आलाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है, जबकि मुल्क के जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। नाज़रीन, आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूं रही। शहीद बेनज़ीराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकमाबाद में भी 39, दादू और हैदराबाद 38, जबकि मुल्तान में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 33, कराची भी 33, पेशावर 27, जबकि कोयटा में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अभा को यकतरफा मुकाबले के बाद 8 गोल से शिकस्त दे दी। हरीफ टीम कोई गोल न कर सकी। प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज स्टेडियम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हैट्रिक की। उनके करियर की ये 65वीं हैट्रिक है। सादियो माने, अब्दुल मजीद, अब्दुल रहमान गरीब और अब्दुल अजीज अल अलीवा ने एक एक गोल किया। रोनाल्डो के लीग के रवां सीजन में गोल्स की मजमूई तादाद 29 हो गई है और गोल्डन बूट एजाज के लिए उन्हें अपने नज़दीकी हरीफ पर 9 गोल्स की बर्तरी हासिल है। रियाज में खेले गए मैच में अल हिलाल की टीम ने अल अखदूद को 3 गोल से हराकर लगातार 31वीं कामयाबी समेटी। अल अखदूद की टीम गोल करने में नाकाम रही। इस कामयाबी के बाद अल हिलाल की टीम 74 पॉइंट्स के साथ अल नसर से 12 पॉइंट के फर्क से पहले नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। माइकल ब्रेसवेल टीम की क्यादत करेंगे। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के 9 अहम खिलाड़ी दस्तियाब नहीं हैं। टिम रॉबिन्सन और विल ओराकी को पहली मरतबा स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। 3 मैच रावलपिंडी और 2 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 12 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। चट्टोग्राम टेस्ट में श्रीलंका ने मेजबान बांग्लादेश को 192 रन से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। दूसरे टेस्ट के 5वें और आखिरी रोज बांग्लादेश ने 511 रन के हदफ के ताकू में 268 रन 7 खिलाड़ी आउट से बैटिंग शुरू की, तो बाकी की 3 विकेटें 50 रन का इजाफा कर सकी। श्रीलंका की तरफ से लाहिरो कुमारा ने 4 और कविंदो मेंडिस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने 531 और बांग्लादेश ने 178 रन बनाए थे। और यहां एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ।